मुंबई जितनी दिखने में रंगीन और चकाचौंध है, उसकी रात उतनी ही काली बनी हुई है। हर किसी की मुंबई जाने की चाह जरूर होती है, क्योंकि लोगों को लगता है वो शहर सिर्फ फिल्मों के लिए बना हुआ है और वहां रहने वालों की जिंदगी बहुत हसीन होती होगी, लेकिन वो सिर्फ टीवी में दिखता है, बल्कि मुंबई जैसे सबसे मशहूर शहर की हकीकत जानकर आप भी चौंक जाओगे। मुंबई का कमाठीपुरा इलाका एशिया के सबसे बड़े वेश आवृत्ति केंद्र में एक है। कमाठीपुरा के पास कई रेड लाइट एरिया है, लेकिन कमाठीपुरा सबसे मशहूर इलाका है। यहाँ रात हो या दिन, हर वक्त लड़कियाँ दरवाजे खिड़कियों में झांकती हुई ग्राहकों का इंतजार करती रहती है। कई वर्षों पहले इस इलाके में करीब 50,000 वेश आवृत्ति काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी होने लगी। दूर से खूबसूरत दिखने वाले इस शहर में कई काले सच छिपे हैं। ये पूरा इलाका 16 गलियों में बना है। इन गलियों से निकलने वाले लोग इस इलाके का बखूबी से हाल जान सकते हैं। यहाँ के करीब 200 कमरों में 50,000 महिलाएं वेश आवृत्ति का काम करती है। दूसरे शहर से कई लड़कियों को लाकर उनको वेश आवृत्ति के गड्ढे में धकेल कर उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। बताया जाता है कि वेस्ट बंगाल की महिलाओं को बहला फुसला कर मुंबई में लाया जाता है, जहां उन्हें जबरन जिस्म फरोशी करने को मजबूर किया जाता है। अगर वो मना करती है तो उनके नशीले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वीडियो में देखिए चमकती मुंबई में छिपा है ये काला सच। हालांकि सरकार ने सेक्स वर्कर के वजह से बदनाम मुंबई में यौन शोषण पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी यहां पर लोग चोरी चुप कर ये काम करते हैं। छोटी हो या बड़ी, हर लड़की वहां जिस्म बेचकर पैसे कमाती है। बताया जा रहा है कि ये कोमाठीपुर की बदनाम गलियों को सुधारने में कोशिश की जा रही है। इस जगह से ये धंधा खत्म कर नौकरी पेशा वाले लोगों के रहने की आशंका जताई जा रही है।